नमस्कार, मैं नवनाथ देवकर, फाउंडर ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स। आज हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग का बिगिनर्स के लिए जो हम लोगों ने सेशन रखा है, वो सेशन का स्टार्ट करने से पहले मैं एक थॉट्स यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जिनके सपनों में होगा दम, वो कभी ना कहेंगे ये काम करेंगे कल। कल का काम आज ही करो, इसमें ही हम लोग ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आज यहाँ पे जितने भी बिजनेस ओनर है, सबके लिए एक थॉट्स मैं देना चाहूंगा कि कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय 10 परिवारों को खुशहाल बनाता है, और नौकरी केवल एक आपका खुद का परिवार ही खुश होता है नौकरी करने से बाद। तो मैं जितने भी यहाँ पे उद्यमी है, जितने भी एंटरप्रेनर्स है, सबके यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस करते करते समय आप आपकी फैमिली, आपके फैमिली के साथ साथ में आप बाकी परिवार का भी खुशहाली देख रहे हैं। सो आपको यहाँ पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और आप सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप खुद के बिजनेस में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और आप इंडिया के इकोनॉमी में अपना खुद का कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। सो आज का हमारा सेशन है डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स बाय निकिता ओरा। हम लोग ये सेशन को जाने से पहले हम लोग व्हाट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान के ले लेंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल एक यूनिक एंड मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे नॉन ट्रेड, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, और ये नॉन फॉर प्रॉफिट है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस ओनर और प्रोफेशनल लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे का डेवलपमेंट करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। सो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि फिप क्यों है कि आज इंडस्ट्री में अगर आप सब लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 85% प्लस SME बिजनेस और है, और 10-10% जो है वो कॉर्पोरेट बिजनेसेस है। और जहां SMEs काम कर रहा है, SMEs के ऊपर ही कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट हो रहा है। और SMEs के बारे में अगर देखेंगे तो वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। ये SME का जो पेन है, वो पेन सामने लेके हम लोगों ने ये कंसेप्ट आगे लिया हुआ है। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल, दिट इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द SMEs एंड ऑल्सो कॉर्पोरेट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हेल्प टू बिजनेस पीपल्स, यहाँ पे बिजनेस लोगों को एक जगह पे लेके आ जाते हैं, और हर एक बिजनेस ओनर दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कैसे करे, दैट इज द थॉट प्रोसेस। ये थॉट प्रोसेस के ऊपर हम लोग काम करें कि मैं मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे कलीग या मेरे मेंबर या दूसरा जो बिजनेस है, वो दूसरे बिजनेस को कैसा हेल्प करे, उसको कैसे सपोर्ट करे, उसके बिजनेस में हम लोग जाके कैसे उसका बिजनेस डेवलप करे। तो ये थॉट है, बिजनेस इज ऑल अबाउट द सॉल्विंग द पीपल्स प्रॉब्लम। तो हम भी यही करते हैं कि जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाता है। हम लोगों का यही स्ट्रैटेजी है, हेल्पिंग पीपल्स एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। लोगों को हेल्प करना, यही हमारा स्ट्रैटेजी है, और यही स्ट्रैटेजी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। हेल्प करना मतलब क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, एजुकेशन सेक्टर्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है। ये सेक्टर्स में कोई भी बिजनेस करना है तो बिजनेस का हर जो होता है वो सेल्स होता है। सेल्स नहीं है तो आपका बिजनेस कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, टीम रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, अलग अलग आइडियाज रहेंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ इश्यूज रहेंगे। तो ये सब इश्यू के ऊपर अलग अलग लोग, एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री में है, ये सब एक्सपर्ट्स को हम लोग एक जगह पे लेके आ जाते हैं, और एक दूसरे के बिजनेस में वो लोग हेल्प करते हैं। दैट इज द एजेंडा। नेक्स्ट, तो ये कैसे होता है कि जो कोर वैल्यू है फिप की, वो कोर वैल्यू है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स। ये सब इसलिए ही करना है कि इंडस्ट्री का ग्रोथ होना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इंडिया का जो जीडीपी है, जीडीपी नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए।
फाइनली इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये एजेंडा फिप का है। नेक्स्ट नेक्स्ट, यस द रियल इकोनॉमी इंडस्ट्री आउटलुक बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेस। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े जाते हैं सब लोग प्रोफेशनल सर्विसेस यहाँ पे देते हैं। उसके साथ साथ में बिजनेस डेवलपमेंट, ये हर एक बिजनेस ओनर के माइंड में ये कंसेप्ट चला जाता है, मुझे दूसरे को हेल्प करना है, मुझे इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस रहेंगे वो चैलेंजेस लेना है और वो चैलेंजेस के साथ काम करना है। जो भी इंडस्ट्री में पेन रहेगा मेरे क्लाइंट का, हमारे क्लाइंट का, तो वो क्लाइंट का पेन एरिया के ऊपर काम करके प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर करना है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फोरम ऑफ द प्रोफेशनल्स एंड इंडस्ट्रीज बना रहे। अभी फिप के पास 40,000 जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का नेटवर्क बना हुआ है, जो व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक दूसरे को हेल्प करता है। बहुत सारे चेंजेस जीएसटी रूल्स में आ जाते हैं डे टू डे बेसिस पे, और ये रूल को, जो चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, उसको नॉलेज शेयर करने के लिए व्हाट्सएप के बेस से या फेसबुक के ग्रुप से एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं। उनके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का आंसर्स जो एक्सपर्ट रहेगा वो एक्सपर्ट्स वहां पे देता है। तो इसी तरह से ये जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर एवरी इंडस्ट्री को हम लोग एक कोर इंडस्ट्री फोरम बनाएंगे और वो कोर इंडस्ट्री फोरम के ऊपर एक दूसरे को हेल्प करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस के ऊपर काम करेंगे और इससे लोग सक्सेसफुल बनेंगे। नेक्स्ट, यस, यहाँ पे बिजनेस ओनर को हेल्प करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज भी करते हैं। तो उसमें नॉलेज शेयरिंग होता है, ट्रेनिंग्स होता है अलग अलग, उसके साथ साथ में पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है। पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारे की एरियाज है, सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ नॉलेज अपग्रेडेशन है, खुद का आइडेंटिटी डेवलप करना है। अब हर एक पर्सन के पास आपका खुद का एक नॉलेज होता है, नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। लोगों के ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद, अपने अंदर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बाहर आ जाता है। तो इस तरह के अलग अलग एरिया के ऊपर यहाँ पे काम होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोफेशनल मेंटरिंग्स है, कंसल्टेशन सर्विसेस है, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिसेस यहाँ पे किया जाता है। इसके साथ में स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे मिलता है, स्टडी मटेरियल्स देने के बाद उसकी उसमें से इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, अलग अलग लर्निंग, अलग अलग फ्री पेड सेशंस यहाँ पे लिया जाता है और उस सेशन से हर एक बिजनेस ओनर का नॉलेज अपग्रेड हो जाता है। तो यस, मैं यहाँ पे बात करूंगा कि अगर अपने को डेवलपमेंट करना है किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो हमारे रिलेशंस काफी अच्छे होने चाहिए। मैं तो बोलूंगा यस, इट इज द ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो रिलेशनशिप के ऊपर आपका बिजनेस, आपका ट्रस्ट, आपका वर्किंग स्टाइल सब मैटर करता है। तो इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, लर्निंग करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स लोगों में होते हैं वो कन्फ्लिक्ट के ऊपर काम करना है, खुद के लिए अवेयरनेस करना है कि हम लोग कहाँ पे है और कहाँ पे जाना है, ये बहुत सारी चीजें जो रिलेशनशिप से आगे जाती है। तो वो रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। फिप में बिजनेस मीटिंग्स हुआ तो होते हैं, बिजनेस मीटिंग के साथ साथ में हम लोग फैमिलीज को जोड़ते हैं, आउटिंग होता है, अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे हम लोग करते हैं, सोशल प्रोग्राम रहेगा, हेल्थ प्रोग्राम रहेगा। तो ये सब प्रोग्राम, सब एक्टिविटीज के साथ साथ हम लोग अपने रिलेशंस कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट, यस, इसके साथ साथ में इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, जैसे कि टीम वर्क है, अलग अलग टाइप के स्किल्स है, ये सब यूज करके अलग अलग रिसर्च लोग कर रहे हैं और ये रिसर्च करके इंडस्ट्री में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, यस, इसके साथ साथ में मैं बात करूंगा कि जैसे हमारे बिजनेस में डेवलपमेंट होनी चाहिए, जैसे हम लोग एक दूसरे के बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो अननोन इंडस्ट्री है, जो अननोन लोग हैं, उनके भी बिजनेस में डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो वो डेवलपमेंट के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया है। तो ये इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें आती है। तो हम लोग एवरी सैटरडे यहाँ पे इवनिंग को 5 बजे
ये प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आते हैं और वो एक्सपर्ट्स हमारे बिजनेस ओनर्स को नॉलेज शेयर करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज शेयर करती है, उनका एक्सपीरियंस रहेगा, अभी तक का नॉलेज रहेगा, जो भी उन्होंने उनके लाइफ में आज तक कमाया हुआ है बाय प्रोफेशन वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो क्वेश्चंस को वो आंसर्स देते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं। तो वो एक्सपर्टीज का बेनिफिट इंडस्ट्रीज को होता है, जो इंडस्ट्री में जिस चीजों के लिए अवेयर नहीं उसका अवेयरनेस यहाँ से क्रिएशन होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में एवरी वेंसडे को ऑनलाइन जूम मीटिंग होता है, यहाँ पे बिजनेस ओनर एक जगह पे आते हैं और लोगों को एक कुट्टा आने के बाद बिजनेस के लिए रेफरेंस देते हैं, यहाँ पे एजुकेशन स्लॉट भी होता है, एक दूसरे को एजुकेट भी करते हैं। तो इसी तरह से आज जैसे इंडस्ट्रियल अवेयरनेस है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, इसी तरह से नेक्स्ट वीक में भी यहाँ पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा वो योगेश जी उंडे जी यहाँ पे एजुकेशन अवेयरनेस ले लेंगे, इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और उनका सब्जेक्ट होगा हाउ टू बी अ हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर्स। अगर एंटरप्रेन्योर्स को परफॉर्मेंस देना है तो उसको कैसे खुद को बिल्ड करना है, कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर 7 एलिमेंट्स रहेंगे कि वे टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। योगेश जी उंडे जो बिजनेस सारथी है, बिजनेस स्पीकर है, वो नेक्स्ट सैटरडे को इवनिंग को 5 बजे यहाँ पे प्रोग्राम के लिए हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे 29th May 2021। और आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स के लिए हमारे साथ है निकिता जी ओरा, उनके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि निकिता जी ओरा जी जो है उनका इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही है, वो पैशनेट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उनका एजुकेशन जर्मनी से मार्केटिंग में हुआ है और वो अवॉर्डेड है, अवॉर्डेड एज अ टॉप 100 वुमन एंटरप्रेनर्स इन इंडिया इन द डिजिटल स्पेस। और आज का जो प्रोग्राम है डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स, उसमें वो हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम हमारा बिजनेस कैसे लेके जाएंगे इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद में उसका रूटीन फॉलोअप कैसे लेना है और बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसा हेल्प करेगा इसके बारे में निकिता जी ओरा हमारे साथ आज डिस्कस करेगी। तो मैं निकिता जी को यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा। निकिता जी गुड इवनिंग। Good evening, Navanath sir. Thank you for the opportunity. आपका फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है और मेरे जितने भी आज के यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स का यूज करके आप निकिता जी का यहाँ पे वेलकम कीजिए। प्लीज आप सब चैट बॉक्स में निकिता मैम के लिए वेलकम कीजिए। थैंक यू। सब पार्टिसिपेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑलमोस्ट 55+ पार्टिसिपेंट्स आज ये प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जो खुद चाहते हैं कि वो उनको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, उनको उनके बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना है और आपसे सीखना है कि डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके वो उनके बिजनेस में कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाए। सो वेलकम निकिता जी इन द फिप प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतनी एक्साइटेड हूँ इस प्रेजेंटेशन इस मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ओवरवेलमिंग वेलकम। Thank you so much. मैं अपना प्रेजेंटेशन खाली शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइए कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। Yes, ma'am, दिख रहा है। Perfect. Thank you so much. डिजिटल मार्केटिंग में आई कैन गो ऑन एंड ऑन, ये सब्जेक्ट बहुत क्लोज है मेरे लिए। आज एक घंटे में मुझे ये चीजें चाहिए कि आप बिफोर यू एंड दिस मीटिंग आप ये 3 चीजें लेके जाइए। फर्स्ट, हाउ टू गेट स्टार्टेड ऑन डिजिटल मार्केटिंग, रूटीन क्या होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का, और आप एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस कैसे इंक्रीज करो। आर यू रेडी फॉर दिस? इफ यस प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। योगेश जी पहले यस बोले। Great. I know so many people here. Great. Perfect. Navanath ji ne mera formal introduction de hi diya hai. I am just repeating myself.
आई एम अ पैशनेट डिजिटल मार्केटर, 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. On a mission to help 10,000 women entrepreneurs to make their business profitable, sustainable. You can read more about me on nikitavora.com. So, आज हम पहले प्लेटफॉर्म पे जानेंगे. ओके, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इतने सारे वर्ड्स हम सुनते रहते हैं, पर ये होता क्या है और कौन से प्लेटफॉर्म की क्या स्पेशलिटी है और हमें क्यों उस पर बिजनेस को एक्सप्रेस करना चाहिए. ठीक है, तो बिफोर आई गेट इन टू इट, मुझे ये बताइए आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हो आपके बिजनेस के लिए. आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हो अपने बिजनेस के लिए, आपको बिजनेस बढ़ाने. अगर कोई नहीं करता तो बोल दीजिए कोई नहीं करता, बट दैट्स ओके. बट टेल मी कि अगर कोई करता है तो कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं. विजय जी, व्हाट्सएप अपना कम्युनिकेशन मोड हुआ, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है. डिजिटल मार्केटिंग में आता है, सोशल मीडिया में नहीं आता है. ग्रेट. भावेश कुमार जी एक भी प्लेटफॉर्म यूज नहीं करते, परफेक्ट. एफबी अगेन, जस्ट डायल, गूगल लिस्टिंग, ओके. पवन जी अगेन, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नहीं हुए, ये सर्च इंजन के प्लेटफॉर्म हुए. आज मैं आपको सोशल मीडिया की डेफिनेशन बताऊंगी. ठीक है, सोशल मीडिया क्या है? बेसिकली जो रिपल इफेक्ट आती है, जो नेटवर्किंग इफेक्ट आती है ना, उस प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया कहा जाता है. मतलब अगर मैंने कुछ पोस्ट किया फेसबुक पे तो मेरे फ्रेंड्स को एक्सेस है मेरे पोस्ट पे. अभी मेरे फ्रेंड्स ने अगर मेरे पोस्ट पे पोस्ट किया तो उनके फ्रेंड्स को दिखता है. सो आई एम ए, मेरे सारे फ्रेंड्स बी है और उनके सारे फ्रेंड्स सी है और उनके सारे फ्रेंड्स डी है. तो जब मैं ए एज ए कुछ पोस्ट करती हूँ तो मेरा पोस्ट डी और ई तक जाता है. वो जो रिपल इफेक्ट आती है उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं. जो आपके फ्रेंड्स आपके नेटवर्क तक पहुंचता है ना, उसको नेटवर्क कहते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क. डेफिनेशन समझ में आई? यस, नो, मे बी? परफेक्ट. सो आज ना हम यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट, जितने लोगों ने भी मुझे बोला है उन्होंने ये तो जरूर बोला है, एक्सेप्ट बारिंग फ्यू, कि वो फेसबुक यूज करते हैं, है ना. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. मैंने यहाँ पे तीन लिखे हैं, पर पांच तरीके होते हैं फेसबुक पे मार्केटिंग करने के लिए. नाउ ये कौन से पांच है? हाउ यू कैन प्रमोट योर बिजनेस ऑन फेसबुक, फाइव वेज. अच्छा, पेड मार्केटिंग की बात नहीं कर रही हूँ. पेड मार्केटिंग क्या होता है? जब आप फेसबुक को पैसे दो और वो आपका बिजनेस प्रमोट करे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ. मैं ऑर्गेनिक की बात कर रही हूँ. ठीक है, इसमें पांच तरीके से आप अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो. एनी गेसेस? तीन तो मैंने लिख दिए है, चौथा और पांचवा को क्या है? अच्छा, एक और बता दीजिए. यस जिग्ना, बैंग ऑन, इट्स मार्केट प्लेस. नहीं उमाकांत जी, टैगिंग वो एक फीचर हो गया, वो उसका उसको प्लेटफॉर्म वैलिड नहीं है. वो आई एम आस्किंग बेस टू मार्केट इट. ओके, बिजनेस व्हाट्सएप नहीं, वो सेपरेट टूल हो गया. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. विजय जी ने बैंग ऑन बोला है. जिग्ना एंड विजय जी, आप पर्सनल प्रोफाइल, बिजनेस पेज, योर ग्रुप, मार्केट प्लेस एंड योर स्टोरीज, दिस आर द फाइव वेज यू कैन प्रमोट योर बिजनेस. ओके, नाउ मैं बहुत बेसिक बंदी हूँ. ओके, मेरे को आपसे ये क्वेश्चन है, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रही थी तब मुझे इवैल्यूएट करना था कि मैं टीम में किसे लूँ या कौन से टैलेंटेड बंदे को लूँ जो मेरा बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करेगा. ठीक है, तो मुझे काफ़ी सारे प्रपोजल आए और दो वैलिड प्रपोजल आए. ठीक है, दो को मैंने इवैल्यूएट किया. तो आपको क्या लगता है मैंने किसको पहले अप्रोच किया होगा, लेफ्ट वाले को या राइट वाले को?
राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट और लेफ्ट 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 ओके ओके अगर मुझे प्रोफेशनल एटीट्यूड चाहिए, मुझे स्किल बेस्ड चाहिए, तो मैं किसको करूंगी? राइट ओके डिफरेंस क्या है दोनों इमेजेस में? डिफरेंस क्या है? एनीबॉडी वांट्स टू टेक अ ट्राई? एग्जैक्टली रितेश जी, एग्जैक्टली यस, द प्रोफेशनल लुकिंग इज फर्स्ट वन, कैजुअल वर्सेस फॉर्मल, बैंग ऑन, राइट? सो अगर मुझे किसी को हायर करना है, ठीक है, मुझे चाहिए कि मेरी कंपनी का नाम थोड़ा जिस लेवल पे है वहां तक तो रखे या ऊपर लेके आ जाए? नॉर्मली हम इसीलिए हायरिंग करते हैं, राइट? मतलब अपना डुबाने के लिए थोड़ी ना हायरिंग करेंगे. या तो यू कम टू दिस बेंचमार्क और यू हेल्प अस टू ग्रो, दैट्स द ओनली रीजन व्हाई वी हायर. तो किसे किसे कौन सा एटीट्यूड वाला बंदा चाहिए? राइट लेफ्ट आर या एल लिखा तो भी चलेगा. Exactly right, because it looks professional. They will help you to grow, or rather it is perceived to be perceived to help you grow. Abhi aap mere shoes mein aaiye, okay, ya main aapke shoes mein aati hu. Aap business owner ho, aapke aapne profile picture rakh diya hai, main unknown hu, mujhe aapke skill set ke bare mein kuch bhi nahi pata hai, par mujhe professional banda chahiye jo mere business ko upar leke jaye, right? So, अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर लेफ्ट वाला है या राइट वाला होगा तो मैं आपको अप्रोच करूंगी. तो आपका प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए, लेफ्ट वाला या राइट वाला? ओके, जिन जिन ने राइट वाला बोला है मैं उनके सबके प्रोफाइल पिक्चर चेक करने वाली हूँ. एग्जैक्टली गाइस, सो दैट इज व्हाट आई मीन, दैट सबसे इंपॉर्टेंट फेसबुक या any social media, if you are promoting your business for on social media, the basic thumb rule is to have your professional picture. Aapki professional image profile picture pe honi chahiye, hands down, there is no argument to that, okay? Kyunki fraction of second, 1/10 of the second mein log aapke profile picture ko dekh ke judge karte hain कि आपसे ज्यादा इंटरेक्ट करना है या नहीं करना है. ओके, पर मुझे ये बात बताओ, फेसबुक मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, तो मुझे प्रोफाइल पिक्चर रखने की क्या जरूरत? मैं अपना लोगो डाल सकता हूँ. व्हाई डू आई नीड पिक्चर? मेरा खुद का फोटो क्यों चाहिए? मैं मेरा बिजनेस का नाम आगे लेके जाने वाला हूँ, मेरे बिजनेस मुझे चाहिए, मेरे बिजनेस से मुझे लोग जाने, तो मैं अपनी पिक्चर क्यों लगाऊं? मैं तो रादर अपना लोगो लगाऊंगा ना. यस नो मेबी, मुझे लोगो लगाना चाहिए ना फोटो की जगह. क्यों रितेश जी मना कर रहे हो? क्यों अशोक जी मना कर रहे हो? मुझे चाहिए कि मुझे लोग मेरे बिजनेस से जाने, राइट? सो व्हाई डू आई वांट आई वांट टू पुट लोगो? माइंड यू ये ट्रिकी क्वेश्चन है. एग्जैक्टली, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर बिजनेस. आज के दिन पे लोग आपका लोगो अभी जानने तक, दे आर नोइंग योर लोगो. अगर आप कोको कोला का ब्रांड चला रहे हो, मर्सिडीज, BMW, then it's completely different story, because that logo has gained that trust. As of you, as of now, we are still reaching that level. Kal shayad hum Mercedes ke logo se jana jayenge ya apne logo se jana jayenge, but as of now, our face is our value. People give business because of our face, of our relationship. Jaise Navnath ji pehle bol rahe the, in business रिलेशनशिप इज एवरीथिंग, एंड रिलेशनशिप लोगों को जान के बनती है, ना कि कोई डिजाइनर लोगो बन के. यस नो,
एग्जैक्टली सो अगर आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो द फर्स्ट थिंग इज टू गेट योर पिक्चर राइट ओके सेकेंड थिंग इज आपके सारे इंफॉर्मेशन अपडेटेड होने चाहिए फोन नंबर ईमेल आईडी कंपनी वेबसाइट ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए क्यों अगेन इट इज लाइक अ न्यूज़पेपर राइट व्हेन यू आर गिविंग एड और आपने लिखा ही नहीं कि आगे क्या करना है तो मुझे आपकी न्यूज़पेपर में एड अच्छी भी लगी पर पता ही नहीं कि कॉन्टैक्ट क्या करना है तो कैसे आगे बात बढ़ेगी है ना सो कॉल टू एक्शन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉल टू एक्शन के लिए आपका फोन नंबर आपका ईमेल आईडी ये सारा चीजें इजिली अवेलेबल होना चाहिए तो ही मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाती हूँ राइट यस नो मे बी या इज दिस क्लियर योर कवर पेज योर प्रोफाइल पिक्चर योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ये तीन चीजें आपके पर्सनल प्रोफाइल आपके फेसबुक के पर्सनल प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है परफेक्ट सो नाउ कमिंग टू बिजनेस पेज अच्छा यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर में क्या होना चाहिए लोगो होना चाहिए मेरी शक्ल होनी चाहिए अगेन माइंड यू ट्रिकी क्वेश्चन एग्जैक्टली लोगो यस बैंग गॉन इंटेलिजेंट ऑडियंस है ऑफकोर्स वहां पे लोगो होना चाहिए बिकॉज नाम इटसेल्फ सेज इट्स अ बिजनेस पेज राइट सो यू आर रिप्रेजेंटिंग देयर बिजनेस नाउ फर्स्ट थिंग इज आप कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डालोगे बिजनेस पे प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे कवर पेज लगाओगे जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस बताता है राइट दूसरा चीज यहाँ पे एक स्टोरी का सेक्शन है बिजनेस पेज में अबाउट अ सेक्शन है ठीक है वहां पे मुझे क्या लिखना चाहिए वन मेरी कंपनी क्या काम करती है या ऑप्शन नंबर टू मैंने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है राइट और लेफ्ट क्या लिखना चाहिए मेरी कंपनी माइंड यू ये बिजनेस पेज है मेरी कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करती है या मैंने ये बिजनेस क्यों चालू किया है माय स्टोरी वन नॉट टू टेल मी वन नॉट टू अरे विजय जी वन क्यों बोल रहे हो ओके ओके जो टू बोल रहे हो टू क्यों बोल रहे हैं जो वन बोल रहे हो वो वन क्यों बोल रहे हैं कैन आई हैव दैट आंसर व्हाई रितेश जी ने डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया बोथ नहीं रितेश जी यू हैव टू राइट वन व्हाई आर यू सेइंग दैट वन सर्विस शुड बी नोन ओके नाउ हियर इज द सरप्राइज प्रसाद जी जो अबाउट अ सेक्शन है ना वहां पे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं लिखना है About us section में आपको स्टोरी लिखना है कि ये मैं क्यों मैंने ये कंपनी क्यों स्टार्ट की मेरा विजन क्या है और मैं कौन सी हाइट पे इसको लेके जाना चाह रहा हूँ Why? Because a person, a customer who comes to you wants to connect with you. आपका emotional reason भी important है आज जब आप बड़े लोगों की यू नो बायोग्राफी पढ़ते हो तब वो बताते हैं राइट स्टीव जॉब्स ने क्यों किया या टेस्ला एलन मस्क ने क्या किया कैसे वो इस बिजनेस में आए उनका विजन क्या है वी ट्राई रेप्लिकेट देम राइट सो दिस इज योर स्टोरी टुमारो यू विल बी नोन फॉर दैट सो दिस योर स्टोरी आपके जो पर्सनल एथिक्स होते हैं ना वो हमेशा आपके बिजनेस में दिखते हैं How many of you agree आप अपना business हो your personal brand your personal belief will replicate in your business How many of you believe that yes no maybe yes right exactly right so it is very important that you write that story people needs to connect with you this is a emotional lot we are in india our behavior is not our decision making is first emotional and then rational
So if I can connect with you on emotional level, I will obviously connect with you on rational level. Okay? So please write your story. Okay? The reason why you started this business and where is your vision? आपने कहाँ आगे और जाना है? Okay? So the emotional connect about us section में ये please लिखिएगा. Be regular in posting. ये मैं हर बार बोलती हूँ, at least minimum 30 to 31 days in a month आप posting कर रही है. Okay? महीने में इतना कर सकते हो? 30 से 31 दिन ही खाली posting करनी है. Yes, no, maybe. जिन जिनको ये difficult लग रहा है वो बताइए. मैं नहीं कर सकता, मैं ये किया तो बिजनेस कौन करेगा. इफ देयर इज एनीबॉडी इन द हाउस व्हिच सेज दैट इट इज डिफिकल्ट, तो मैं आपको एक सीक्रेट हैक बताऊंगी. अगर आप बोलते हो कि मैं कर सकता हूं तो मैं नहीं बताने वाली हूं. आई वांट अ ऑनेस्ट ऑडियंस. इफ आई हैव ऑनेस्ट ऑडियंस नथिंग लाइक इट. Okay, so Jigna says it's little difficult. Okay, Jigna, I will give you a hack. Okay, Mukhtar ji says he can't. Okay, daily it is difficult. Abhi sab aa rahe hai bahar, abhi bol rahe difficult hai. Tab tak aap sab yes bol rahe the. No, Prashad ji, I am not saying you need to outsource it. I am saying do it yourself. And that's why I'm going to give you a hack towards the end of the webinar. But only if you confess that it is difficult to do it. Yes, Ritesh ji. Okay. So we will park here. 100% difficult. Yogesh ji is saying 100% difficult. Perfect. Yes. So remind me, I will give you a superb hack. आप महीने के एक घंटे में पूरे 300 दिन का कंटेंट मैनेज कर सकते हो. ओके, बट यू हैव टू रिमाइंड मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार टू टीच यू दिस हैक. ओके, भावेश जी सेज आई नेवर इवन लॉग इन रेगुलरली ऑन दिस थिंग. ओके, नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आता है ग्रुप. ओके, हम सब सारे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप पे मेंबर्स है. ठीक है, सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू ग्रुप होता क्या है. बट Facebook पे there are three types of group. One is your public group, one is your private group, and one is your secret group. Public group, freely available to anybody. Anybody can come, join, and respond, be a member. Private group is a objective-based group, जहाँ पे you need to seek a permission as to if you want to become a member or not. And third is secret group, which is invite only. आपके बिजनेस के लिए आई वुड रेकमेंड टू स्टार्ट अ प्राइवेट ग्रुप. ओके, एजुकेट प्राइवेट ग्रुप आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए लीड पूल बन जाता है. सो बेटर स्टार्ट एंड क्रिएट एंड स्टार्ट नर्चरिंग पीपल. वहां पे ग्रुप पे सेलिंग मत करिएगा. ग्रुप पे यू जस्ट हैव टू एजुकेट पीपल. ओके, चेक ऑल द सेटिंग्स. यू शुड हैव फुल कंट्रोल ओवर योर ग्रुप. If not, then your group will be taken advantage of. Okay? Now, LinkedIn. How many of you says you are on LinkedIn? Do I have people on LinkedIn? Okay, Ritesh ji hai. Prashad ji, Neha, Navnath ji. Okay. Perfect. So, quite a few guys are on LinkedIn. I love LinkedIn. प्रोफाइल में अगेन कौन सा पिक्चर डालोगे, लेफ्ट वाला राइट वाला? बढ़िया मेमोरी है, सबने राइट बोला, बढ़िया. सो प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल पिक्चर लाइक वी सॉ इट राइट साइड एंड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. ओके, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मैंने देखा है लिंक्डइन पे अकाउंट बना देते हैं, सालों साल ऐसे पड़ा रहता है, फोन नंबर और ईमेल आईडी भी अपडेट नहीं हुआ होता है. प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज कीप your updates on, create a content planner. अभी Facebook के लिए क्या है, आपको जो मन में आया वो लिख दिया तो दो मिनट के लिए चलता है, but LinkedIn पे ऐसे चलेगा क्या? Do you feel that? Thank you, Ritesh ji. LinkedIn requires a proper plan. It's the only professional network
एंड आई रिकमेंड यू टू हैव अ प्रॉपर प्लान फॉर योर कंटेंट एंड देन ओनली पोस्ट इट. प्लीज ऐसे ही रैंडमली आज थॉट आया, आज मेरा मूड अच्छा है, आज आम अच्छा निकला तो मैंने पोस्ट कर दिया, ऐसा मत डालना. लिंक्डइन इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. ओके, सो हैव अ प्रॉपर प्लान. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू डेली स्पेंड 5 मिनट टू सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन? आपको किसको बिजनेस ग्रो करना है, लेट मी टेक दिस वे, किसको बिजनेस ग्रो करना है और किसको नेटवर्क ग्रो करना है? इफ द आंसर इज यस, राइट, यस फॉर बोथ. बिजनेस ग्रो करना है, नेटवर्क ग्रो नहीं करना, यस फॉर बोथ, राइट. लिंक्डइन आपको दोनों चीजों के लिए हेल्प करता है, बिजनेस के लिए और नेटवर्क के लिए. बट आप कॉन्शियसली कितना टाइम नेटवर्क ग्रोइंग में लगाते हो? मैं पोस्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, वी हैव सेटल्ड दैट. ओके, वी विल डू अ माइंडफुल पोस्टिंग, वो अपना सेटल हो गया. सेकेंड चीज है नेटवर्क ग्रोइंग, उसके लिए जो मेरे को कनेक्शन आया वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं. आप कितने कनेक्शन दिन के भेजते हो वो मुझे जानना है. कोई कॉन्शियसली ये एफर्ट लेता है क्या कनेक्शन सेंड करने के लिए? परफेक्ट. सो गाइस, अगर आपको अपना बिजनेस और नेटवर्क ग्रो करना है, दिस जिग्ना डू इट डेली. ओके, स्पेंड जस्ट 5 मिनट्स. मोबाइल का ऐप है, बहुत बढ़िया है उनका ऐप. खाली 5 मिनट आपको दिन में खाली 10 जन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है. 10 जन को कर सकते हो? ओनली 10 पीपल, हूसोएवर इज योर टारगेट ऑडियंस. जैसे मेरे टारगेट ऑडियंस है सीईओ, तो मैं सीईओ सर्च में लिखूंगी, जितने सीईओ आएंगे उनको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी. इतना कर सकते हैं? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, हर प्लेटफॉर्म को 10-10 मिनट दिया तो 1 घंटा हो गया ना निकिता पूरा. तो हम घंटा 2 घंटा खाली सोशल मीडिया करेंगे तो बिजनेस कब करेंगे? हु हैज दिस क्वेश्चन? आज मैं 5 प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाली हूँ. ओके, उसमें हर प्लेटफॉर्म को मैं यही बोलने वाली हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट दो. अगर हो पांचों प्लेटफॉर्म को 10 मिनट दिया तो 1 घंटा तो ऐसे ही हो गया, राइट. सो आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू डू द स्टफ. ओके, बट फॉर लिंक्डइन वहां पे बर्थडे विश करो और एनिवर्सरी विश करो. दिस इज द क्विकेस्ट वे टू एंगेज अ पर्सन. जब भी आपको किसी के बारे में जानना है या कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, आप उनको विश करो. ऑब्वियसली सामने वाला थैंक यू बोलेगा, ऐसे तो कभी नहीं बोलेगा कि प्लीज डोंट मैसेज मी. मैं आपको बोल रही हूँ हैप्पी बर्थडे, तो आप थोड़ी ना ये बोलोगे कि प्लीज डोंट मैसेज मी. ऐसा कभी होता है? आई डोंट थिंक सो. डू यू थिंक दैट? Yes, no, maybe. Exactly, right? So quickest way to establish a relationship on LinkedIn is wish them happy birthday, happy anniversary, jo notification aati hai, and then try and exchange few more messages so you work towards building a relationship. Now, yes, Ritesh ji, your question is welcome. Please ask. What should be the frequency of posting on LinkedIn? Again, according to me, 5 days in a week should be good. But this is kind of a platform. Even if you post 3 days in a week, that should be okay. But aapka content matter karta hai yahan pe. So be very mindful about the content. Okay, yahan pe quality matters a lot. Okay. Now, how many of you are using Pinterest? अच्छा, search engine के लिए मत बोलना. मुझे पता है आजकल Pinterest search के लिए ज़्यादा use होता है. मैं अपने business promotion के लिए बात कर रही हूँ. Ritesh ji does. Okay. I don't know about Pinterest. Great. Never used it. Okay. Guys, Pinterest is a pinning website. Pinning माने अपना एक simple notice board हुआ करता था school पे, पता है? व्हाइट कलर का बॉर्डर था और ग्रीन कलर का बोर्ड हुआ करता था, जहाँ पे भी कुछ भी नोटिस होती थी
हमारे प्रिंसिपल या टीचर वहां पे पिन कर देते थे. यू रिमेम्बर नोटिस बोर्ड जैसा था? यस नो मे बी एग्जैक्टली. सो पिंटरेस्ट वही है. आपको कोई नोटिस में लेके आना है, आपको कुछ प्रमोट करना है, तो वो जो इंटरनेट पे चीज चल रही है, जो वेब चल रहा है, आप यहाँ पे उसको पिन कर दोगे. जैसे आपका नोटिस बोर्ड होता है, आप वहां पे पिन कर दोगे. ठीक है. सो इसीलिए इसका नाम है पिंटरेस्ट. सो आप अगर मान लो आपने इंस्टाग्राम पे रील बनाई है, तो आप वहां यहाँ पे पिंटरेस्ट पे उसको पिन कर सकते हो. या लिंक्डइन पे आपने एक आर्टिकल लिखा है, उसको आप यहाँ पे पिन कर सकते हो. जहां पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन चाहिए अपने बिजनेस के लिए, इसके लिए आप ये पिंटरेस्ट यूज कर सकते हो. आज के तारीख में अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, सबसे बेस्ट टूल है पिंटरेस्ट. इट इज डूइंग वंडरफुल इन टर्म्स ऑफ गूगल सर्च, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर ट्रैफिक. सो अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, प्लीज कंसिडर यूजिंग इट. ओके, प्लीज ओपन अ बिजनेस अकाउंट, क्लेम योर वेबसाइट. आप यूनिकली अपना वेबसाइट क्लेम कर सकते हो एंड स्पेंड 10 मिनट्स पिनिंग इट. ओके, जैसे जब आप जाओगे वो आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू यू नो पिन द पोस्ट. समीर जी, विच लिंक शुड आई शेयर? सॉरी आई डिडंट गेट यू. प्लीज लेट मी नो विच. Pinterest. It is just simple. Pinterest.com. Okay. And Pinterest का basic rule है. Yeah. So Jigna, the thing I meant is, अगर Google पे वो अच्छा perform कर रहे हैं, मतलब आप कोई keyword डालोगे, say mandala arts. ऐसा कीवर्ड अगर गूगल पे डाला, सबसे पहले आपको पिंटरेस्ट के पोस्ट दिखेंगे. सो दैट मींस एसईओ के टर्म पे पिंटरेस्ट इज डूइंग गुड ऑन गूगल. इज इट क्लियर और डिड आई कंफ्यूज यू मोर? क्लियर द मैटर और द कंटेंट व्हिच वी वांट टू Pinterest. Yeah, so you can do anywhere from social media link. You can pin it or you can create your own. Yeah, you will get that, Jigna. You'll get that. Okay. Now coming to Instagram. How many of you are actually using Instagram? Great. So guys, those who are not using, please start using it. It is fairly good platform owned by Facebook. Good crowd. Okay. Have a business account on Instagram. Please use your logo. Instagram mein apne, agar apne business account liya hai, please use your logo. Or if you are doing it for personal brand value, then your personal this thing. Okay. Divya ji has raised the hand. Divya ji, do you have a question? Okay, great. So have your information updated. Small post, small videos which are called reels, wo abhi bahut trending hai. So please start using that and use status, jo status stories hoti hai every day to advertise your business. Okay, is Instagram clear? Maine basic fundamental Instagram ki samjhaya. Is this clear? Yeah, perfect. So kin logo ne mujhe bola tha ki Nikita, agar har platform ko 10 minute diya to 1 ghanta ho jata hai, or I don't know how to spend that 1 hour. Anybody had this question? Perfect. So let's get into it. आपको एक घंटा चार प्लेटफॉर्म में डिवाइड करना है. ठीक है,
अगर इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु प्रिफर राइटिंग एंड रिमेम्बरिंग, प्लीज पेन एंड पेपर ग्रैब कर लेना, बिकॉज दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू डू एवरी डे. ओके, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? आपके पास एक घंटा है, ठीक है? एक घंटा मतलब 15 मिनट्स फॉर फोर प्लेटफॉर्म्स. ओके, चार प्लेटफॉर्म हमने यूज कर चूज कर लिए. एक हुआ फेसबुक, दूसरा हुआ इंस्टाग्राम, तीसरा हुआ शायद लिंक्डइन और चौथा हुआ पिंटरेस्ट. अगर ऐसा नहीं करना है कोई बात नहीं, फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप, व्हाटएवर यू प्रेफर. ओके, कोई भी चार प्लेटफॉर्म पे ध्यान देना है, ठीक है? आपकी जो प्रायोरिटी है उसको ध्यान में रख के लिखिए. उसके बाद 15 मिनट्स में क्या करना है आपका, एक एक फिक्स टाइम रखिए इन अ डे. ओके, जैसे यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आप फेयरली पूरे दिन में एक घंटा कब फ्री होते हो. जैसे मुझे सुबह बहुत कॉल्स होते हैं, पर आफ्टरनून 2 से 3 आफ्टर लंच में फेयरली थोड़ा फ्री रहता हूँ, फिर शाम को वापस कॉल बहुत आ जाते हैं. या मैं शाम को 6 से 7 यू नो फ्री होते हैं, सुबह पूरा दिन मेरा क्रेजी होता है. ओके, जिग्ना सेज आफ्टरनून. आफ्टरनून बी स्पेसिफिक, राइट अ टाइम, यू नो दिस विल हेल्प यू फॉर्म हैव अ क्लैरिटी इन योर हेड. राइट अ टाइम, आफ्टरनून 2 to 3, परफेक्ट, जैसे विजय जी ने लिखा है. ओके, 3 to 4. नाउ गेट योर कैलेंडर एंड ब्लॉक इट. ओके, ब्लॉक योर डे इन योर कैलेंडर. एक घंटे में 15 मिनट आपने हर हर प्लेटफॉर्म को दिया, जैसे आपने चार प्रायोरिटी पे लिखा. नेक्स्ट इज 15 मिनट्स को ऐसे डिवाइड करो. ओके, जैसे फेसबुक को मैंने प्रायोरिटी दी है, मुझे फेसबुक को 15 मिनट्स देनी है. सो फर्स्ट 5 मिनट्स, ओके, ये आप एक्चुअली अलार्म लेके बैठना और अपना फोन साइड में रख देना, क्योंकि अगर एक व्हाट्सएप आया, डिस्ट्रैक्शन आया तो आप भूल जाओगे. ओके, सो पर्पसली डू दिस. 5 मिनट्स यू हैव टू राइट योर ओन कॉन्टेंट. ओके, क्रिएट अ न्यू कॉन्टेंट. नेक्स्ट 5 मिनट्स रिप्लाई टू पीपल. ओके, जो आपने कल पोस्ट किया, आज मैंने कुछ पोस्ट किया, फिर मैं कल वापस एक नई पोस्ट बनाऊंगी. जो मेरी आज की पोस्ट है वहां पे लोगों ने रिप्लाई किया होगा ना, तो योर फर्स्ट 5 मिनट्स इज टू क्रिएट अ पोस्ट, नेक्स्ट 5 मिनट्स इज टू रिप्लाई टू दोस पोस्ट, एंड नेक्स्ट द लास्ट 5 मिनट्स, दैट इज द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द 15 मिनट्स, यू आर एक्चुअली सेंडिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड एंगेजिंग विद अदर्स. आपको दूसरे पोस्ट पे कमेंट्स करनी है, उसको लाइक करना है, उसको शेयर करना है. क्यों दूसरों की पोस्ट करना इम्पोर्टेंट है? क्यों मैं आपको डेडिकेटेडली 5 मिनट बोल रही हूँ देने के लिए, दूसरों की पोस्ट लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए या शेयर करने के लिए? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? हम खुद का करें ना, दूसरों का क्या करेंगे? Why is it important? To establish relationship. He also likes our post. Exactly. When we engage with others, एक तो अपने algorithms बहुत अच्छे हो जाते हैं. Facebook को पता चलता है कि ये account active है. Okay? तो वो तो advantage है ही है. बाकी हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे. तीसरा, ही विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू अवर कॉन्टेंट. हमारा कॉन्टेंट जितना लाइक हुआ, जितना एंगेजमेंट बढ़ा, मतलब फेसबुक उतना ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ठीक है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस. इज इट डुएबल? इफ इट्स डुएबल, राइट डुएबल. राइट डी. इफ इट्स डुएबल, राइट डी. Perfect. Perfect. So guys, yes, I am open for questions. Banita ji has a questions for me, is it? What about the time that it takes to prepare what to post? Thank you for asking that, Pavanji.
सो यू रिमेम्बर मैंने बोला था यू नो के पोस्टिंग करना है पूरे महीने का. अभी पोस्टिंग कैसे करने का? ओके, आप पूरे महीने में अपना खुद का कंटेंट खाली 5 पोस्ट लिखिए. ओके, आप पूरे महीने में 5 खुद की पोस्ट लिखना है और 25 पोस्ट गूगल से लेवरेज करनी है. गूगल से लेवरेज करनी है माने आप जो भी बिजनेस में हो उसका कीवर्ड गूगल को लिखिए, जैसे इंटीरियर्स. ठीक है, इंटीरियर्स लिखिए गूगल पे एंड राइट इन ब्लॉग्स ऑन इंटीरियर्स. आपको मिनिमम 50 से 60 ब्लॉग लिस्ट आएगी. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉपी दैट लिंक एंड पेस्ट इट टू योर फेसबुक, एडिंग योर ओन व्यू टू इट. जैसे एक इंटरनेशनल इंटीरियर डेकोरेटर है, वो कैसे 300x300 स्क्वायर फीट की ऑफिस को कैसे सजाना, उसका वो ब्लॉग है. वो उसने बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा है, वो मैं अपने पेज पे शेयर कर रही हूँ और मैं लिख रही हूँ कि ये ब्लॉग ना बहुत ही अच्छा है. किसी का 300x300 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, उनको ये ब्लॉग पढ़ना ही चाहिए. एंड थैंक्स टू ABC ब्लॉगर जिसने वो ब्लॉग लिखा. सो आपको पूरे महीने में अगर 30 दिन कंटेंट लिखना है, आपको खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. ये हमेशा हर बंदा मिस्टेक करता है कि मैं अपना खुद का कंटेंट लिखूंगा, इसलिए कुछ नहीं लिख पाते क्योंकि समझ नहीं आ रहा है क्या लिखना है, तो वो कुछ लिखते ही नहीं, उससे अच्छा ब्लैंक रहने दो. ऐसा होता है? नहीं होता? यस, नो, मे बी. कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पोस्ट करना है, इसलिए मैंने कुछ पोस्ट ही नहीं किया. सो दिस इज योर हैक. ओके, जो ब्लॉग आपको, जो ब्लॉग, जो वीडियो, न्यूज, आपकी इंडस्ट्री की न्यूज आते रहते हैं, आप कितने सारे YouTube वीडियोस देखते रहते हो, WhatsApp कितने फॉरवर्डेड मैसेज आते हैं जो आप फॉरवर्ड करते हो, वही चीज आप अपने Facebook पे कर दो, राइट? बट 5 पोस्ट खुद की अच्छे से बनाओ. महीने में 5 पोस्ट डुएबल है? खाली 5 पोस्ट 30 दिन में खाली 5 पोस्ट लिख सकते हो? डुएबल, राइट? बाकी के दिन you just have to go to Google, cut, copy, paste. But guys, please give due credit to that person. अपने नाम से पोस्ट मत करना. किसी ने मेहनत की है वो पोस्ट बनाने के लिए, वो ब्लॉग बनाने के लिए, वो वीडियो बनाने के लिए. ओके, प्लीज उनसे वो क्रेडिट मत छीनिएगा. ओके, आप पे लीगल केस भी हो सकता है इफ यू डोंट गिव द ड्यू क्रेडिट. ओके, सो better give a due credit to them and then use it for your social media. Is it easy? Now is it easy to share post for 30 days? Does it seem easy? Perfect. Great. So that's from my side. If you have any questions, do let me know. I'm open for questions. If anybody wants to get connected to me, this is my number. You have my website. Please let me know if I can help you in any which ways. Need to understand post? Please share some referral material. Okay. Great. Thank you. Thank you, Ritesh ji. Yeah. Any question, please tell me. Great. Thank Galaxy M31, I don't know, but I really appreciate the compliment. Thank you. I hope I have helped you. निकिता के लिए कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए. थैंक यू.
प्लीज चैट बॉक्स का यूज कीजिए। अशोक बुटे जी कह रहे हैं मैम कि लिंक्डइन इज चार्जेबल और नॉट। नो, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, देयर इज नो चार्जिंग। हाँ दिव्या जी, आप करिए, इट इज अ गुड लाइन टू स्टार्ट। मैं सब ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आज निकिता जी अपने प्लेटफॉर्म पे आए, फिप के इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम में उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारा सोशल मीडिया के बारे में उन्होंने हम लोगों को अवेयर किया कि किसी को भी अगर आपको खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना है, सोशली एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो आज जो निकिता जी ने हम लोगों को जो टूल्स दिए हुए हैं वो टूल्स अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं इसका अश्योर करता हूँ कि आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब पार्टिसिपेंट्स खुद को डिजिटल वर्ल्ड में खुद को लेके जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, am I right निकिता? Yes, absolutely, absolutely. Yes. और अगर नवनाथ जी, just last one thing, किसी को इच्छा है डिजिटल मार्केटिंग सीखने की तो मैं हर गुरुवार को 6 to 7 आज निकिता फ्री सेशन रखती हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए कि समझ नहीं आ रहा है या कोई वैलिडेट करना है या कुछ और जानना है, यू आर मोस्ट वेलकम देयर। इट्स अ फ्री सेशन, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कम देयर एंड लर्न। ग्रेट 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 निकिता जी, जो आपने बताया वो बहुत अच्छी बात है सब ऑडियंस के लिए कि आप इतना कुछ देने के लिए रेडी है। कोई भी आ जाए जिसको कोई भी हेल्प चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वो निकिता जी के सेशन को अटेंड कर सकती है और वो अटेंड में निकिता जी आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर वहां पे दे सकती है। और आपको आपको बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए निकिता जी आपको श्योरली हेल्प करेगी। 100%। थैंक यू नवना जी ये अपॉर्चुनिटी के लिए। यस, मैं यहाँ पे सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स के, वो प्रोग्राम्स को और अच्छी तरह से बनाने के लिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कॉन्ट्रीब्यूशन तभी मिल सकता है आप हम लोगों को फीडबैक दे। मैंने चैट बॉक्स में यहाँ पे आज का जो वीकली इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का फीडबैक का लिंक भेजा है, तो प्लीज मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लिंक पे जाइए और आपका फीडबैक वहां पे रिटर्न में हम लोगों को दे दीजिए। अगर आज इसी टाइम पे यही लोकेशन पे अगर कोई फीडबैक देना चाहता है तो खुद को अनम्यूट करके वो यहाँ पे फीडबैक दे सकता है। निकिता जी ने जो 1 घंटे का यहाँ पे सेशन लिया है वो सेशन के लिए फीडबैक तो होना जरूरी है। थैंक यू, आई लुक फॉरवर्ड। हाँ, सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप निकिता जी को यहाँ पे फीडबैक दे दीजिए। और ये और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप को ज्वाइन करने के लिंक भेजूंगा, वहां पे अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। आपको कोई एडिशनल लिंक चाहिए तो वहां पे लिंक मिल जाएंगी, उसका भी लिंक मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। तो जस्ट 1 सेकेंड मुझे दे दीजिए। Just 1 second. फिप के जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब प्रोग्राम्स के अपडेट्स मिलने के लिए आप वो ग्रुप को ज्वाइन करें। और उसके साथ साथ विजय सर, आपके पास लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, अगर रहेगा तो आप शेयर करेंगे प्लीज? यस, मैं ही कर देता हूँ, है मेरे पास सर लिंक। सर एक क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में। यस, गणेश जी डोंगरे बोल रहे हैं कि आई हैव लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर द टेलीकॉम प्रोफाइल फ्रॉम अर्लियर एम्प्लॉयर, कैन आई मेक अनदर प्रोफाइल फॉर माय करंट बिजनेस? नो, यू कैन यूज द सेम प्रोफाइल, आपको खाली उसको अपडेट करने की जरूरत है। आप उसको अपडेट करके यूज करिए, डबल ट्रिपल प्रोफाइल बनाना इज नॉट रिकमेंडेड, वो मत कीजिए, आपका उससे फायदा नहीं होगा। आप इसको ही रीयूज कर लीजिए।
यस, मैंने चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप जो है उनके लिंक्स भेजे हुए हैं। वो लिंक पे जाके आप खुद को उसमें ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस भी हम लोग उसको भी रिप्लाई करेंगे, और जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स रहेंगे वो प्रोग्राम्स के अपडेट्स भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में फिप के जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स है वो लिंक्स भी वहां पे है, उसको भी आप कनेक्ट कीजिए। और जो नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा फिप का, अगले वेंसडे को मॉर्निंग 7 बजे बिजनेस मीटिंग रहेंगी, वो बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए भी मैंने चैट बॉक्स में लिंक भेजा है। वो लिंक का यूज करके आप वहां पे एनरोलमेंट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम रहेगा वो योगेश जी उंडे जो है हमारे बिजनेस कोच, वो बिजनेस कोच हमें एक अच्छा एंटरप्रेनर कैसे बने उसके बारे में गाइड करेंगे। हर एक बिजनेस एंटरप्रेनर्स की या बिजनेस ओनर की जो प्रोडक्टिविटी है बिजनेस की, वो प्रोडक्टिविटी डेवलप करने के लिए जो 16 एलिमेंट्स है वो 16 एलिमेंट्स के ऊपर योगेश जी उन्डे हम लोगों को गाइड करेंगे। और ये जो सेशन रहेगा वो सेशन मराठी में रहेगा। लैंग्वेज कंसर्न, दिस सेशन विल बी इन द मराठी ओनली। ये सेशन रहेगा हाउ टू बी हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेनर्स, और इसमें कवर होगा 16 एलिमेंट्स इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। हाउ टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी का जो 16 एलिमेंट्स है वो 16 एलिमेंट्स हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और ये एलिमेंट से आप आपके बिजनेस का जो प्रोडक्टिव है वो प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम लोगों को पता ही नहीं होती है। वो पता कैसे करें, तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट सैटरडे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मैं आज यहाँ पे ऐसा एजम्पशन कर रहा हूँ कि जो भी आज का सेशन लिया है निकिता जी ने, वो सेशन काफी इफेक्टिव रहा है और हर एक को वो समझा रहेगा। और इसमें अगर कोई भी कोई क्वेरी रहेगी किसी की भी तो आप हमको बताइए। और मैंने जो चैट बॉक्स में फीडबैक का फॉर्म दिया हुआ है वो फीडबैक का फॉर्म यूज करके प्लीज आप हमें बताइए कि हमें अगर इस प्रोग्राम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो इम्प्रूवमेंट्स हम लोग कैसे करें, आपको यहाँ से क्या अच्छा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, इसके लिए आप सब लोगों का यहाँ पे वेलकम है। मैं जितने भी अभी पार्टिसिपेंट्स है किसी को यहाँ पे फीडबैक देना है निकिता जी के लिए तो आप खुद को अनम्यूट कीजिए और यहाँ पे आप फीडबैक दे सकते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। निकिता जी, इट्स अ वेरी ग्रेट इवनिंग, थैंक यू। और आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया वो कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग आपके ऋणी रहेंगे। आपका ऐसा ही सपोर्ट फिप को मिलता रहेगा और फिप के ऑडियंस को आपका सपोर्ट मिलेगा। हम थैंक यू फाइनली हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा इंडिया का इकोनॉमी बढ़े, इंडिया का इंडस्ट्री बढ़े, सबका ग्रोथ हो, सब एक अलग ऊंची पे लेके जाए। तो इसके लिए हम लोग जिसको जिसको भी हेल्प करना है हम लोग सब उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और सबको हेल्प करने के लिए हम लोग एवरी टाइम अवेलेबल रहेंगे। फिप यही बोलता है कि सबका विकास सबका साथ, सबका साथ देना है और सबका विकास भी करना है, हर एक का डेवलपमेंट करना है, और वो डेवलपमेंट के लिए हम लोगों का काम करना है। सही बात है। तो आप यहाँ पे आए, आपका वेरी वेरी थैंक यू, थैंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यू, ऐसे ही इस प्रोग्राम में मिलते रहेंगे हम लोग। निकिता मैम, थैंक यू सो मच। इट वाज योगेश अ जी, एक्सेलेंट 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 सेशन एज यूजुअल। मैंने आपके पहले भी सेशन अटेंड किए, बाकी सब लोगों को बताना चाहता हूँ, इनको मतलब 1 घंटा देना, मतलब सचिन तेंदुलकर को बोलना जरा 4-5 ओवर खेल के आ, ऐसा है। इतना नॉलेज है इनके पास, ही सो पैशनेट। और मैं तो इनको जब पहली बार मिला था उनको गुरु माँ कह दिया था मैंने, डिजिटल मार्केटिंग की गुरु माँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और
इवन इन फ्यूचर ऑल्सो वी वुड लाइक दैट आप कोई और सब्जेक्ट पे भी हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू आपका वो वीकली का जो शेड्यूल है. हाँ. आपने थर्सडे बोला ना, एवरी थर्सडे. हाँ, एवरी थर्सडे. ओके, टाइमिंग क्या है उसका? उसका 6 to 7 है. लिंक मैंने दी है, वही सेम लिंक पूरा साल चलती है. मैं एक साल से कर रही हूँ, 2-3 साल और करूंगी. वो सेम लिंक है. थैंक यू वेरी मच. कैप्टन अजय बदामी कर सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निकिता जी के लिए 2 शब्द बोले. कैप्टन अजय बदामी कर सर. Hello, thank you so much Navnath ji for inviting me for this wonderful session. Actually, I wasn't sure whether I need to, but it was good that I joined in. There were a lot of confusions in my mind, but all of them are cleared, and I will, I have taken down the numbers and details, and I'll contact you personally again to find out little more details. But it was a wonderful afternoon, and thank you so much. I really enjoyed it. I was fully into it. Thank you. Means a lot to me. Thank you. Thank you, Ajay sir. Your valuable feedback. Thank you, madam. Anyone? कोई है जो feedback देना चाहेगा इस program के लिए? Yes, sir. Hello. Vijay yes. sir. Yeah, yeah. Thank you very much, Nikita ma'am. Actually, what happened, right? आपने how to manage within 15 minutes Facebook करना है. लेकिन मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा कि मुझे एक घंटा में इतना नहीं पता लगा कि मुझे आई नीड मोर नॉलेज. डेफिनेटली आई विल जॉइन ऑन वीकली मीटिंग. तो बहुत अच्छा इनपुट दिया. yes. मुझे लगता था मीडिया मैनेज करना इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक, बट दैट इज नॉट द इशू. वी कैन मैनेज प्रॉपर वे. तो दैट अच्छा सिखाया. दैट थैंक यू वेरी मच. नाइस सेशन. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू विजय जी. कोई है जो और निकिता जी के लिए यहाँ पे कोई बात करना चाहेगा? निकिता जी के लिए जो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस का प्रोग्राम हम हर वीक लेते हैं, इसके लिए अगर किसी को कुछ बात करना है तो सेशन इज ओपन फॉर एवरीवन. निकिता जी गुड इवनिंग. आपका सेशन वंडरफुल रहा. आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट आजकल का एक नीड ऑफ द आवर हो गया. ये अभी क्या बोलते हैं, जैसे काल की गरज हो गई है. हाँ, सही बात. तो इसके बिना हम लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि हर जगह कंपटीशन का जमाना है, और जो भी इससे आगे निकल जाएगा, जो सीखेगा वो ही आगे बढ़ेगा. वही है. थैंक यू मैडम. ग्रेट. यस, लाइक. थैंक यू गणेश जी, आपने काफी अच्छा फीडबैक दिया. यहाँ पे कोई और है जो फीडबैक देना चाहेगा? Anything else? Yes, sir. I am from. Sir, आप कुछ बात करना चाहते थे? Please. Anyone else? Yes, sir. I am Divya Avinash from Bihar. Yes, sir. Sir, Nikita ma'am का हमें ये जो उन्होंने जब बताया टाइम मैनेजमेंट के बारे में, सोशल मीडिया पे कैसे उसका यूज करना है, और ये नेक्स्ट 5 मिनट का, फर्स्ट 5 मिनट का, वो हमें अच्छा लगा. और आज के दौर में देखा जाए तो आपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया साइट भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कि जहाँ से हम अपने नए बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं. तो इन्होंने जो बताया वो हमें अच्छा लगा. थैंक यू. ग्रेट. शिवशंकर बिंद, आपने हैंड रेज किया था. शिवशंकर प्लीज. सर मेरा उस समय यस, आपकी आवाज आ रही है सर. हाँ ठीक है. या सॉरी यार, एक क्वेश्चन था मेरा. अप्रिसिएशन तो है, बिकॉज नो डाउट शी इज एक्सपर्ट इन टू हर सेशन, और उनका काफी इतने सारे एक्सपीरियंस हो चुका, तो कितना बोलना उतना कमी है मैडम के बारे में. मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मैं मंथली पोस्ट करता हूँ, मेरे 5 ओरिजिनल पोस्ट रहेंगे, और मैं सपोज 25 गूगल से बोरो करता हूँ या कॉपी करता हूँ, पर मैं जब किसी के नाम से कॉपी कर रहा हूँ
तो उसको कैसे किस सेंटेंस में उसको मैं आई शुड राइट डाउन सो दैट उसका जिसका भी मैंने पोस्ट लिया है वो लीगली भी वैलिड हो, वो मुझ पे केस ना करे और इट शुड नॉट सी दैट आई एम कॉपिंग टू समवन. तो उसको प्रेस किस लैंग्वेज में किया जाए, कैसे वो सेंटेंस कैसे बनाया जाए. बराबर है सर, वेरी वैलिड क्वेश्चन. सर ऐसा होता है यहाँ पे दो तीन चीजें. फर्स्ट, आप किसका कंटेंट ले रहे हो? आप उनका कंटेंट ले रहे हो जो आपके कॉम्पिटिटर है, या आप उनका कंटेंट ले रहे हो जो आपको इंस्पायर कर रहा है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट होंगे, आपकी खुद की इंडस्ट्री रहने दो, पर आपसे आपके इंडस्ट्री में वो लीडर है, आप उनका कंटेंट ले रहे हो. फिर आपका पर्सनल ओपिनियन डाल रहे हो. सो ऐसा जब आप बोलते हो, जैसे मैंने आज एक वेबिनार लिया तब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपका डिफरेंस क्या है, कि आप कैसे, जैसे अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग लिखा है और आप उस ब्लॉग को रेजोनेट नहीं करते, मतलब आप उसकी ब्लॉग, उसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग मैच नहीं कर रहा है, बट वो इंडस्ट्री लीडर है, पर फिर भी यू हैव योर ओन ओपिनियन टू से, तो हाउ विल यू एक्सप्रेस? यू एक्सप्रेस बाय actually showing the appreciation that he took an effort to write a blog, but there are a couple of things which I have a different opinion. Jab aap apne pe lete ho ki I have a opinion, to it is like it's your personal, you are not criticizing that person, you are not saying that he is wrong, you are just saying that my thought process is something like this. Very good. Okay. So that's how, even when you are leveraging Google, that's how you should be posting it. आप किसी को भी degrade करने के लिए आप उनका post नहीं कर रहे हो. आप उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो या resonate कर रहे हो. आप उसी लिए आप वो post ले रहे हो. तो वो चीज दिख के आनी चाहिए. Okay. तो ऐसा भी होना चाहिए कि I am taking this sentence from so and so expert who has expressed his opinion. Correct. And I would like to add one more thing into that. जो भी है सर, इस तरह बोलना है, right? हाँ, जैसे अपन टाटा रतन टाटा जी की कोई quote लेते हैं, तो आप दो sentence अपने लिखते हो ना कि जैसे वो बोलते हैं कि believe in giving or write read a book in a day, तो आप ऐसे ही लिखोगे कि एक book तो read करनी ही चाहिए, पर मेरे opinion में आपको वो book से क्या learning मिलती है ना वो भी लिखना चाहिए. तो आप उसको, आप मना नहीं कर रहे हो कि बुक रीड मत करो, आप बोल रहे हो बुक रीड करो, पर यू आर गोइंग वन स्टेप अहेड कि आप खुद से अपनी डायरी भी बनाओ. सो खाली बुक करने से कोई यू नो कोई कुछ अचीव नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस यू इंप्लीमेंट दैट लर्निंग इनटू योर लाइफ. सो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. यू आर ऑल्दो यू आर लेवरेजिंग रतन टाटा जी वर्ड, बट यू आर स्टिल एडिंग योर ओन ओपिनियन टू इट. ओके, तो रतन टाटा जी का नाम आ सकता है सेंटेंस में. यस यस. ओके ओके, तो ओके थैंक यू मैम, थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू. ग्रेट. मैं फिनिश करना चाहूंगा एक छोटे से कोट के साथ में, और वो कोट है सब बिजनेस ओनर को. वो कोट मैं बोलना चाहूंगा कि जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, और जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है वही बिजनेस करते हैं, वही उद्योग करते हैं, वही एंटरप्रेनर्स बनते हैं. तो ये कोट के साथ मैं आज का जो सेशन हुआ वो सेशन क्लोज करना चाहूंगा. निकिता जी, वंस अगेन आपको वेरी वेरी थैंक यू कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आए और अपने आपका नॉलेज यहाँ पे शेयर किया, हम लोगों को गाइड किया. थैंक यू वेरी मच. हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे एवरी सेशन, एवरी सैटरडे इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम में इवनिंग 5 बजे. थैंक यू वेरी मच आपको और सब पार्टिसिपेंट को.